दोस्तों भारतीय भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज के इस वीडियो में देखेंगे मानसून के बारे में, मानसून की क्रियाविधि के ऊपर। इससे पहले मैंने वीडियो बनाया था, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून की जो अरब सागर की शाखा है उसके बारे में। हम देखेंगे कि अरब सागर की शाखा कैसे मानसून की आती है और वो कैसे कैसे आगे गमन करती है और किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है या कौन से क्षेत्र उसके प्रभाव में आते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं भारतीय मानसून की अरब सागर की शाखा। आइए देखते हैं, इधर पीछे डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम में मैंने क्या क्या है जो शाखा है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आप जान ही रहे हैं कि होता क्या है कि मानसून जो होता है वो क्या होता है कि ये मान लीजिए 0 डिग्री लाइन है, तो यहाँ से होता हुआ भारत के इस हिस्से पर, मतलब कि जो भारत का दक्षिण पश्चिम वाला एरिया है यहाँ पर आके टकराता है। तो इसीलिए इसको दक्षिण पश्चिम मानसून बोलते हैं। और केरल की तरफ से क्यों टकराता है, क्योंकि जो व्यापारिक पवने हैं जब उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करती हैं तो अपने बाएं किनारे पर मुड़ जाती हैं। क्योंकि जून के महीने पे ITCZ का जो क्षेत्र होता है वो कर्क रेखा पर बनता है, और जो कर्क रेखा पर बनने की वजह से यहाँ से मान लीजिए यहाँ से क्या होता है कर्क रेखा पर बनता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि इस कर्क रेखा पर बनने की वजह से क्या होता है कि जो ये थार का मरुस्थल और ये क्षेत्र निम्न दाब का क्षेत्र बनता है, और उस निम्न दाब के क्षेत्र को भरने के लिए यहाँ पर व्यापारिक पवनें चलती हैं जो दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में प्रवेश करने पर अपने दाएँ किनारे पर मुड़ जाती हैं, और दाएँ किनारे पर मुड़ने की वजह से क्या होता है ये केरल के तट से टकराती हैं। इसकी दो शाखाएं होती है, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक अरब सागर की शाखा। बंगाल खाड़ी की शाखा इस तरीके से चली जाती है और अरब सागर की शाखा कुछ इस तरीके से जाती है। अब चूंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर अरब सागर की जो शाखा है कैसे चलती है और किन क्षेत्रों को प्रभावित करती है उसके बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बंगाल की खाड़ी की शाखा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ये वीडियो पूरी तरीके से अरब सागर की शाखा की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि भारत की जो दक्षिण की स्थलाकृति है कुछ ऐसी है जहाँ पर ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक शाखा बंगाल खाड़ी की शाखा, दूसरी शाखा जो होती है वो अरब सागर की शाखा होती है। ये यहाँ से डिवाइड हो गया। अब यहाँ से क्या होता है कि जब ये शाखा इस तरफ चलती है तो इस तरीके से चली जाती है, दूसरी शाखा जो होती है वो उधर की तरफ चली जाती है। अब इसमें होता क्या है कि जब अरब सागर की शाखा यहाँ पर चलती है तो सबसे पहले क्या होता है केरल के तट पर बारिश कराती है। अब बारिश कराने के पीछे कारण आपको बता दूँ कि जब यहाँ से ये शाखा इस तरफ चलती है तो ये होता क्या है कि ये जो पश्चिमी घाट है उसे टकराती है। पश्चिमी घाट से टकराने के बाद ऊपर की तरफ जाती है, ऊपर की तरफ जाते ही जगह क्या होती है ठंडी हो जाती है, इसकी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती है, और यहाँ पर जैसे ही 100% सापेक्षिक आर्द्रता हो जाती है तो ये क्या होती है बारिश वगैरह करने लगती है। किस तरफ, जो ये पश्चिमी घाट का पूर्वी पश्चिमी हिस्सा है ये इस वाले हिस्से में जो होता है यहाँ पर बारिश होती है काफ़ी तेज़ होने लगती है, इधर जो होती है बारिश नहीं हो पाती। दूसरा हिस्सा जो होता है वो रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है, क्योंकि दूसरे साइड में बारिश नहीं होती, इस पहाड़ के इसी तरफ बारिश होती है। इसके बाद में ये जो पहाड़ आप देख रहे हैं ये क्या है कि ये धीरे 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 जैसे जैसे उत्तर की तरफ इसमें जाएंगे ये पहाड़ जो होते हैं वो नीचे होते चले जाते हैं, मतलब कुछ इसकी जो आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, मतलब कि यहाँ पर क्या है कि काफ़ी ऊंचे हैं, उसका जैसे जैसे जाएंगे तो पहाड़ जो होते हैं नीचे होते चले जाते हैं इस तरीके से। तो उसी जैसे जैसे पहाड़ नीचे होते चले जाते हैं उसी तरीके से मानसून भी क्या होता है ऊपर की तरफ आते 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 कमज़ोर होता जाता है। कमज़ोर का मतलब बारिश की मात्रा जो होती है वो कम होती चली जाती है। दक्षिण के क्षेत्रों में आप देखेंगे तो ज़्यादा बारिश होती है, उत्तर की तरफ आएंगे तो बारिश जो होती है वो कम होती चली जाती है। और जो इसी तट के सहारे सहारे क्या होता है कि ये मानसून जो होता है अरब सागर की शाखा ऊपर की तरफ आती है, और चूँकि यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे जो है वो दर्रे बने हुए हैं। दर्रों का मतलब यहाँ पर दर्रे कैसे बने हुए हैं आपको बता दूं कि जब भारत जो था वो पहले अफ्रीका का हिस्सा था, अफ्रीका का हिस्से होने के बाद में ये टूट गया, टूटने के बाद ये उत्तर पश्चिम की ओर उत्तर पूर्व की ओर गमन किया, और आगे चल करके जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराती है तो उससे हिमालय का निर्माण हुआ। लेकिन उससे पहले क्या होता था कि दक्षिण भारत की जो नदियाँ थीं वो नदियाँ जो थी वो इस तरफ बहती थी, किस तरफ पश्चिमी घाट तब, मतलब कि यहाँ से होते हुए जो अरब सागर में नदियाँ जो थी वो गिरती थी, लेकिन टकराने की वजह से इसका कुछ हिस्सा नीचे टूट के गिर गया, बाकी का हिस्सा ऊपर उठ गया। इसकी वजह से क्या हुआ कि ऊपर उठने की वजह से यहाँ पर जहाँ से होकर के बहती थी वहाँ पर उनकी घाटियाँ आज भी मौजूद हैं, और वो क्या हुए आज के टाइम पर दर्रे बन गए। कहाँ पर, पश्चिमी घाट में, आज भी पश्चिमी घाट में गैप दिखते हैं, वहाँ पर पहले के टाइम पे जो थी वो नदियाँ बहती थी, क्योंकि पहले जो था भारत का जो ढलान था वो लगभग सब तरफ से बराबर था, लेकिन जब टकराने की वजह से क्या हुआ ये हिस्सा ऊपर उठ गया तो नदियाँ इस तरफ बहने लगी, लेकिन जो नदियों की घाटियाँ थी जहाँ से नदियाँ बहती थी वो घाटियाँ आज भी मौजूद हैं। उन्हीं घाटियों से होते हुए क्या होता था मानसून जो है इसमें प्रवेश करता है। अब उसमें थाल घाट है, भोर घाट है, मलसेज घाट, अंबोली घाट, चोरला घाट, पाल घाट, सिनकोटा दर्रा, इस तरीके से और भी दर्रे यहाँ पर देखने को मिलते हैं।
तो इन दर्रों से होते हुए मानसून जो होता है वो अंदर प्रवेश करता है। लेकिन होता क्या है कि मानसून इस तरफ जब चलता है तो इस पश्चिमी घाट के पूर्वी हिस्से पर बारिश कम होती, पश्चिमी तट पर ज़्यादा होती। लेकिन मानसून जो है पश्चिमी घाट के कुछ दर्रों से होता हुआ, इन सभी दर्रों से होता हुआ अंदर की तरफ प्रवेश करता है और इन क्षेत्रों में भी बारिश कराता है। किन दर्रों से? इन दर्रों से, क्योंकि पश्चिमी घाट तो काफ़ी ऊंचा है लेकिन जो उसमें गैप है उन गैपों से होता हुआ मानसून प्रवेश करता है और कहाँ पर? इनके दूसरे साइड में जा करके यहाँ पर बारिश करा देता है। कहाँ पर? जो ये हिस्सा अंदर की तरफ का हिस्सा, यहाँ पर जो होता है वो बारिश करा देता है, याद रखिएगा। अब यही जो मानसून की जो ये शाखा ये आगे चल करके जाती है और आगे चल के जाने के बाद गुजरात के क्षेत्र में आती है। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा पोरबंदर तट है और गोहिलवार तट है, यहाँ पर भी बारिश होती है और यहाँ पर गिर के पहाड़ियाँ भी आपको देखने को, गिर के वन भी आप देखते हैं, गिर की पहाड़ियाँ भी देखने को मिलती हैं। उन पहाड़ियों की मैं बात बता दूँ, गिर के पहाड़ियों से मानसून टकराता है और उसके दक्षिण की तरफ जो होती है वो बारिश होती है। मतलब कि गिर पहाड़ियों के दक्षिणी के हिस्से पर बारिश होती है। आप जब मतलब कि जब आप गुजरात का जब आप फिजिकल मैप देखेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जो इस क्षेत्र में आपको काफ़ी छोटी छोटी सी नदियाँ आपको देखने को मिलती हैं दक्षिण क्षेत्र पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता क्या है कि जब मानसून जो होता है गिर के क्षेत्र से टकराने के बाद में यहाँ पर बारिश कराता है। क्योंकि गिर की पहाड़ियाँ ज़्यादा ऊँची नहीं है इसलिए मानसून जो होता है वो एक तरफ से टकराने के बाद में दूसरी तरफ चला जाता है, इसके उन पहाड़ियों को क्रॉस कर जाता है। लेकिन उस तरफ बारिश उतनी नहीं हो पाती है, फिर आगे चल करके यहाँ से होता हुआ मानसून जो है वो सीधा चला जाता है। लेकिन इस मानसून की कुछ शाखाएँ जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करती हैं। ये यहाँ पर दो नदियाँ बहती हैं, एक है नर्मदा, दूसरी है ताप्ती। यहाँ पर दो श्रेणियाँ, सतपुड़ा और विंध्याचल। तो विंध्याचल श्रेणी हो गई और सतपुड़ा श्रेणी हो गई, इनके बीच में जो नदियाँ बहती हैं, एक नर्मदा है और एक ताप्ती है। इन नदियों से होता हुआ मानसून जो है वो अंदर की तरफ प्रवेश करता है, इन 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 नदियों की घाटियों से होता हुआ। तो यहाँ से नमी उठाता हुआ आगे चल करके अमरकंटक के क्षेत्र में, अमरकंटक के क्षेत्र में बैतूल के पठार के क्षेत्र में अंदरूनी हिस्सों से होते हुए इसके आसपास भी बारिश, यहाँ से नमी लेकर के आसपास बारिश कराता है और इसकी कुछ शाखा आगे चल करके यूपी के भी कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बारिश जो है वो करा देती है। लेकिन इसका जो मेन बारिश होती है इसके आसपास होती है, इन घाटियों के सारे मानसून एंटर करता है। आगे चल करके जो हम देखेंगे तो ये आपको दिख रही, इसको बोलते हैं अरावली, 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 ये हो गई अरावली। इस अरावली में जब आपको देखने को मिलेगा जो मानसून आता है वो अरावली इसके पैरेलल पड़ जाती है। अरावली इसके पैरेलल पड़ने की वजह से क्या होता है कि मानसून जो होता है वो यहाँ पर बारिश ना करा करके सीधा मानसून जो है वो चला जाता है। क्या होता है? ये आगे सीधे चला जाता है, आगे चल करके शिमला तक ये चला जाता है। इधर जब बंगाल की खाड़ी की जब शाखा आती है तो शिमला में दोनों शाखाएँ टकराती हैं और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश आपको देखने को मिलती है। अब चूंकि ऐसा नहीं है कि अरावली के क्षेत्र से यहाँ पर बिल्कुल बारिश नहीं होती, कुछ क्षेत्रों में छुटपुट बारिश अरावली में हो जाती है। लेकिन जब ये बंगाल की खाड़ी की शाखा जब यहाँ पर आ जाती है अरावली से टकराने पे बारिश हो जाती है। इसलिए वर्तमान समय में आप देखेंगे जो आपको देखने को मिलता है, जैसे आप देख लीजिए जयपुर का जो हिस्सा आप देखेंगे वो अरावली का जो पूरा पूर्वी हिस्सा है उस क्षेत्र में इसमें बाढ़ सी आई हुई है। क्योंकि पहाड़ों पर जब बारिश होती है तो काफ़ी तेज़ी से बारिश होने के बाद पहाड़ों से पानी पूरा नीचे नीचे के एरिया में आता है। जब नीचे के एरिया में आता है तो काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हो जाता है। चूँकि वर्तमान समय में नगरों की जो जल निकासी व्यवस्था ठीक ना होने की वजह से क्या होता है, पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता है और उन क्षेत्रों में बाढ़ अनुभव कर सकते हैं, खास करके जयपुर, जैसे जयपुर के क्षेत्र में भी हाल ही में आई हुई। तो ये वाली शाखा जो है वो यहाँ से होते हुए सीधे जाती है और सीधे जा करके कहाँ पर, ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं ऊपर की तरफ शिमला के क्षेत्र में, ये यहाँ पर बारिश कराती है। तो आप लोग समझ गए होंगे यहाँ से पालघाट से होते हुए कुछ दर्रों से होते हुए इस तरफ बारिश कराती है। जैसे आप मुंबई में देखेंगे बारिश होती है लेकिन दूसरी तरफ पुणे में बारिश कम होती है, क्योंकि वो कैसा रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है। इसके इन दर्रों से होते हुए मानसून प्रवेश करता है और अंदर के क्षेत्रों में बारिश वगैरह कराता रहता है। लेकिन आप इस मैप के आधार पर आप समझ गए होंगे, जैसे कि मैंने बताया कि आपको केरल के तट पे बारिश होती है, लेकिन अगर जो मैं भी आपको बता दूं कि ये विषुवत रेखा के ऊपर है केरल, लेकिन अभी मान लीजिए जैसे ये विषुवत रेखा हो गई, जैसे ये क्या हो गई, ये विषुवत रेखा हो गई और यहाँ पे भारत हो गया, यहाँ पे केरल हो गया। लेकिन अगर जो खींच के भारत को नीचे लेकर के चले आइए, विषुवत रेखा से इसको काट दीजिए, मतलब ये भारत को यहाँ ले आइए, मतलब कि मान लीजिए जैसे विषुवत रेखा भारत में कहीं यहाँ से जाती इस जगह से, तो केरल में मानसून ना करके कहाँ आता, तमिलनाडु में आता, क्योंकि तब ये दक्षिण पश्चिम मानसून ना होकर के जो व्यापारिक पवने हैं वो यहाँ पर आकर के सीधे, मान लो भारत यहाँ होता तो व्यापारिक पवने यहाँ पर आकर के टकराती, लेकिन चूंकि गोलार्ध उत्तरी है इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है। आज से पहले के टाइम पे जब भारत अफ्रीका से अलग हुआ था, अफ्रीका से अलग होने के बाद जब गमन कर रहा था तो केरल में इतनी बारिश नहीं होती थी मानसून के टाइम पे, मानसून में ठंडियों में बारिश हो रही होगी। क्यों? क्योंकि ये तब दक्षिणी के क्षेत्र में था। मान लीजिए थोड़ा खींच के नीचे ले आएंगे तो क्या होगा कि ये जो ये मानसून इस तरफ आता है, ये इधर से मानसून जो है वो केरल के तट पर लगभग सूखे की स्थिति बन जाएगी और मानसून जो आएगा वो बारिश होगी किस तट पर,
तमिलनाडु के तट पे ज़्यादा बारिश देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से कॉन्सेप्ट तब भी थोड़ा सा अगर जो ऐसा दक्षिण में भारत आ भी जाएगा तो क्रियाविधि भी चेंज हो जाएगी, क्योंकि तब बारिश तब होगी जब भारत में मतलब कि जब सूरज की किरणें जो होंगी वो दक्षिणायन की स्थिति में होंगी तब बारिश होगी, तो पूरी कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। लेकिन हाँ ये है कि अगर जो केरल को उठा करके नीचे ले आएंगे तो बारिश जो होगी वो केरल के तट पर ना होकर के तमिलनाडु के तट पर पहले होगी, ये याद रखिएगा। बाकी मैंने बता दिया इन दर्रों से होता हुआ मानसून प्रवेश करता है, चाहे वो आप थाल घाट ले लीजिए, भोर घाट, मलसेज घाट, अम्बोली घाट, चोरला घाट, चाहे इधर पोरबंदर या गोहिलवार ले लीजिए, इन क्षेत्रों में भी बारिश होती उसी से होती। अब जैसे यहाँ पर केरल में 1 जून को मानसून आता है, लेकिन 1 जून का मतलब केरल के तट पे मानसून आता तब आप लोग पढ़ते भी कि 1 जून को भारत में मानसून प्रवेश करता है, लेकिन ऐसा है नहीं। भारत की मुख्य भूमि में 1 जून मान सकते हैं, लेकिन जब ये मानसून होता है ये मई में अंडमान निकोबार में 25 मई के आसपास जो है वो मानसून एंटर कर जाता है। तो 25 मई के आसपास मानसून जो है वो कहाँ पर जो आप देखेंगे तो अंडमान निकोबार के क्षेत्र में बारिश होने लग जाती है। तो आप ये समझ लीजिए कि ये दक्षिण पश्चिम मानसून है, दक्षिण पश्चिम मानसून की शाखा कैसे कैसे जाती है, ये इसी पश्चिमी इस घाट के साथ रगड़ते हुए एक तरीके से कह सकते हैं इसी के तट के सहारे ऊपर तक जाती है और इसी के इस तट पे पश्चिमी घाट के पूर्व पश्चिमी किनारे पर बारिश कराती हुई चली जाती है और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। इसीलिए केरल में इस टाइम देखेंगे जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी एरिया इस क्षेत्र में यहाँ पर इसमें बाढ़ आई है, लेकिन जिसका पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर बाढ़ का आपको अनुभव नहीं करने को मिलेगी, वहाँ पर बाढ़ जो है वो नहीं आती। क्यों? क्योंकि बाढ़ ना आने के पीछे कारण यही है कि वो रेन शैडो एरिया में पड़ जाता है, वो जब शीतकाल में मानसून की क्रियाविधि पड़ेंगे तो उसमें वो बरसात वहाँ पर होगी, उससे बारिश उसको मिलेगी। तो ये थी मानसून की क्रियाविधि, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा, तो नेक्स्ट वीडियो बंगाल की खाड़ी की शाखा के ऊपर होगा। आज के इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।